क्या आप भी WhatsApp एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल में WhatsApp एप्लीकेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और यहाँ पर देखिए अपने WhatsApp को हम अपडेट करने वाले हैं। अपडेट करना क्यों जरूरी होता है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, समय समय पर हर एक चीज़ में अपडेट होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा WhatsApp है, तो WhatsApp को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनको वो समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बग्स होते हैं जिनको यहाँ पर रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर समय समय में इसमें सुधार होता रहता है और बहुत सारे फंक्शन ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ पर समय समय पर आपको भी अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको कैसे WhatsApp को अपडेट करना है वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर WhatsApp में जैसे कोई भी नया फीचर आया है तब भी आपको अपडेट आएगा, और समय समय में बहुत सारे चेंजेस होने के कारण भी अपडेट आता रहता है। तो जब आप अपडेट ही नहीं करेंगे तो उसके फीचर का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपडेट करना इसीलिए ज़रूरी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ दो तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने लोगो पर, यहाँ पर लिखा है मैनेज योर डिवाइस, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो WhatsApp के अलावा भी जितने एप्लीकेशन का अपडेट आया होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और अपने WhatsApp का भी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए WhatsApp लिखा हुआ है, इसके सामने आप अपडेट पर क्लिक करके भी आप अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, आपको सिर्फ खाली अपने WhatsApp का ही अपडेट करना है, बाकी एप्लीकेशन का नहीं करना है। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी उस एप्लीकेशन को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि WhatsApp। तो यहाँ पर देखिए अपडेट आपको सामने दिख जाएगा, तो यहाँ पर अपडेट आया हुआ है तो आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको चेक करना है कि ये अपडेट कब आया है तो यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए 24 अप्रैल को आया हुआ है, और आज कितनी है 30 अप्रैल, मतलब 6 दिन पहले हमारे यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। सो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल में यहाँ पर इस तरीके से अपने WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए क्या, सिंपली यहाँ पर देखिए कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल होना भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद तुरंत यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ओपन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप भी यहाँ पर ये ओपन करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो WhatsApp है वो अपडेट हो चुका है, इसे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं और उसका हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में बहुत ही आसान तरीके से अपने WhatsApp एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।